अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहज़्ज़ज़ दोस्तों दोस्तों मैं हूँ फैज़ान और आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ। दोस्तों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक नया विजन है जो कि टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रैवल करने का एक आसानी से मतलब तरीका बताऊँगा, आसानी से आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक शहर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नरान के बारे में। दोस्तों अगर आप कराची, लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, साहिवाल, मुल्तान इस तरह के शहरों से अगर आप नरान कागान जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको मालूम होगा अगर आप मतलब आपके पास कार नहीं है, अपना व्हीकल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो आप किसी मतलब बस को ही चूज़ करेंगे और वो बस आपको डायरेक्ट नरान तक नहीं पहुंचाएगी। और इसी वजह से हमारे काफ़ी दोस्त हज़रात हैं वो इन इलाकों का रुख नहीं करते कि वो कहते हैं कि हमें पहले मानसेरा जाना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट नरान नहीं जा सकते, आपको पहले मानसेरा जाना पड़ेगा, फिर आप अलहदा बस लेंगे नरान जाएंगे, आपको फिर सैफुल मुलुक जाना पड़ेगा, तो काफ़ी आपको मतलब रास्ते बदलने पड़ते हैं, बसेस बदलनी पड़ती हैं। तो अब इमरान खान ने एक विजन बनाया है कि अब हमारे पाकिस्तानियों को आसानी दी जाए अगर वो नॉर्दर्न एरियाज लाइक नरान कागान, सवाद कलाम, इसके अलावा चाइना कुंजराब बॉर्डर, गिलगित, नतिया गलिम्बरी, ये वाली जगहों पर विजिट करना चाहते हैं तो इनको कई ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए जिसमें इनको एंड टू एंड लग्जरी बस सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। तो दोस्तों वो बस सर्विस आपने फैसल मोवर का नाम तो सुना होगा। दोस्तों इमरान खान ने उनके साथ मतलब कोलैबोरेशन किया, उनको कॉन्टैक्ट किया है और उनको कहा है कि आप प्रमोट करें टूरिज़म को, आपके पास लग्जरी बसेस तो हैं, आपके पास बड़ी लग्जरी बसेस भी हैं, हैवी व्हीकल्स भी हैं, आपके पास छोटी लग्जरी व्हीकल्स भी हैं, तो आप एंड टू एंड अपने मुसाफरों को, पाकिस्तानियों को स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करें। तो दोस्तों अब इस सर्विस का बाकायदा आगाज़ हो चुका है कुछ इलाकों के लिए। और नरान के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, सखर इस तरह के शहरों से आपको यूटोंग बस सर्विस मिलेगी जो कि एक काफ़ी अच्छी सर्विस है। आपको हर सीट के बजाय इंटरटेनमेंट सिस्टम, टैबलेट मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी लग्जरी सीट्स हैं। तो ये बस सर्विस आपको पहले अगर आप एंड टू एंड सफ़र करना चाहते हैं तो ये बस आपको कराची से पहले लेके जाएगी इस्लामाबाद। ये लग्जरी बड़ी बस सर्विस होगी यूटोंग की 40 सीटर वाली। तो यहाँ पर आप जाएंगे बड़ी बस में। अब उससे आगे आपको इस्लामाबाद से नरान के लिए मिनी मतलब यूटोंग बस, जो कि यूटोंग की बस ही है, वही सीट्स हैं लेकिन उसमें सीट्स कम है, थोड़ी छोटी है, कोस्टर टाइप बस है, बहुत ही लग्जरी बस है। उसमें भी आपको हर सीट की भी इंटरटेनमेंट मिल जाती है, वाईफाई मिल जाता है, रिफ्रेशमेंट मिल जाती है, वो बस मिलेगी, वो आपको लेके जाएगी इस्लामाबाद से नरान के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप कराची से नरान के लिए आपको कोई बस नहीं बदलनी पड़ेगी, कोई सर्विस नहीं बदलनी पड़ेगी, किसी बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट कराची से बैठें आपको नरान पहुँचाया जाएगा। और ये विजन है इमरान खान का, ये सिर्फ नरान के लिए नहीं है, ये सवाद कलाम के लिए भी है। इसके अलावा सवाद कलाम की डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। और ये बहुत जल्द पाकिस्तान तो चाइना भी शुरू होने वाली है, मतलब पाकिस्तान से आप होते हुए चाइना जाएंगे और बीच में खुंजराब बॉर्डर, गिलगित, इसके अलावा चाइना की कुछ प्लेसेस आ जाएंगी। तो ये विजन है इमरान खान का कि अपने शहरियों को टूरिज़म की तरफ गामजन किया जाए। तो दोस्तों इसका जो फेयर है वो भी काफ़ी रीज़नेबल होगा, मुझे फेयर इसके बारे में नहीं पता, अब जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो वो भी मैं अपडेट कर दूँगा।